खबर मथुरा से। कोविड के बाद होम्योपैथी सेंटर्स पर बढ़ रही मरीजों की भीड़। जनपद में होम्योपैथी सेंटर्स पर हर महीने पहुंच रहे 18,000 से 20,000 मरीज। कोविड के बाद लोगों का रुझान होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की ओर बढ़ रहा है। सरकारी होम्योपैथी सेंटर्स पर मरीजों की भीड़ बढ़ रही है, इससे संसाधनों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। मथुरा जनपद में 16 होम्योपैथी के सेंटर हैं। जनपद में फार्मासिस्ट के 16 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 6 फार्मासिस्ट ही नियुक्त हैं, जिनमें से 3 फार्मासिस्ट इसी महीने मिले हैं। इससे पहले 16 के सापेक्ष 3 फार्मासिस्ट ही काम कर रहे थे। जनपद में अभी 10 और फार्मासिस्ट की आवश्यकता है, जबकि चिकित्सक के 3 पद खाली हैं। सीमित संसाधनों में भी विभाग बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। जनपद भर में इन 16 होम्योपैथिक सेंटर्स पर महीने भर में 18,000 से 20,000 मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ज्योति शिखा के अनुसार, अगर किसी मरीज की मेडिकल हिस्ट्री है तो जिला चिकित्सालय की मदद से उसकी जांच भी कराई जाती है। हमारे यहां आने वाले कई मरीजों की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। हम मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मरीजों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। मौसमी बीमारी, किडनी स्टोन, एलर्जी, अस्थमा, वैसे तो हर बीमारी का इलाज है, धैर्य की जरूरत है, मेडिकल हिस्ट्री महत्वपूर्ण होती है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, तो कितने हॉस्पिटल सरकारी मथुरा जनपद में हैं, कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं और कितने मरीज जनपद में लगभग महीने भर में आपके इलाज करा रहे हैं? ये हमारे मथुरा में 16 डिस्पेंसरी हैं, जिसपे 13 डिस्पेंसरी पे फिलहाल डॉक्टर तैनात हैं, और लगभग 18,000 से 20,000 मरीज पूरे महीने में हम लोगों के इलाज करा देते हैं। मैम, किन बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में बेस्ट हो सकता है और आदमी बड़े खर्चे से, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में या एलोपैथी में जाता है तो वहाँ तमाम ऑपरेशन और ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपके होम्योपैथिक में किन बीमारियों में खर्चे से बचकर अपना अच्छा इलाज करा सकता है? होम्योपैथी में वैसे तो हर बीमारी का लगभग इलाज है, कुछ बीमारियों में हम लोग को असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ, जैसे रीनल स्टोन है या वॉट्स है, कॉर्न्स हैं, जिनके लिए लोग जनरली ऑपरेट कराने के लिए चले जाते हैं, तो इनमें आप ऑपरेशन से बच के और होम्योपैथी में अच्छा इलाज है। एलर्जीज हैं किसी तरह की, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो सांस वगैरह से रिलेटेड हो, उनकी भी अच्छे, बहुत ही अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। कुछ चीज़ें ऐसी भी है, जैसे मैंने बताया रीनल स्टोन्स हैं, ये सब है, इनमें आप ऑपरेशन तक से बच सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में, बस विश्वास होना बहुत ज़रूरी है लोगों का। मौसमी बीमारियों का भी इलाज बिल्कुल बहुत बढ़िया इलाज है उसमें, उनके जो भी ये चेंज ऑफ वेदर की वजह से, जो भी जिसको एलर्जी, आम लोग एलर्जी के नाम से ही जानते हैं कि जो लोग ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, उसका बहुत बढ़िया इलाज। मैम, आम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी कि वो होम्योपैथी की तरफ आए, विश्वास करें और अपना इलाज कराए, तो क्या उनके लिए चाहिए? देखिए, होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छी पद्धति है, ज़रूरत सिर्फ विश्वास की है, सब्र की है। कुछ चीज़ों में तो तुरंत भी आराम है, बट आपको विश्वास उसमें रखना पड़ेगा। आप तुरंत भी आराम कई बार मिल जाता है, कुछ चीज़ों में आपको लॉन्ग लास्टिंग इलाज करने की ज़रूरत है। आप रीनल स्टोन है, आप ये कहोगे आज मैंने दवाई खाई है कल निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, बट बहुत अच्छी पद्धति है, इस पर विश्वास करिए, आइए, आजमाइए, उसके बाद आपको रिजल्ट ना मिले तब बताइएगा कि होम्योपैथी अच्छी है या नहीं। सरकार की तरफ से क्या मतलब जो आने वाले पेशेंट उनके लिए क्या खर्चा है आपके यहाँ दवाइयों के, क्या पैसे वैसे लगते हैं? नहीं, हमारे यहाँ खर्चा 1 रुपये का बनता है और सारी दवाइयाँ जितनी भी सप्लाई में आती है सब मुफ्त मिलती है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, JK न्यूज़।